लगातार 4 दिनों से पॉल्यूशन की मार झेल रही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को अगले 5 दिन मुश्किल भरे निकालने पड़ सकते हैं। कल पॉल्यूशन के कारण दोपहर में सूर्योदय हुआ तो आज भी विजिबिलिटी बेहद कम है। खराब हवा के कारण दिल्ली वासी परेशान हैं। पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली और हवा की धीमी रफ्तार ने राजधानी दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया है। तो सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शनिवार को जहां पॉल्यूशन लेवल में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई, तो आज एक बार फिर AQI का लेवल 450 को पार कर चुका है। हालात ये हैं कि दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। जो हाल राजधानी दिल्ली का है, वही हाल नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का भी है। यहाँ पर भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जिस कारण AQI लेवल बढ़ चुका है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। जलती पराली, उठता धुआं, हवा हुई बेकार। प्रदूषण की चपेट में दिल्ली NCR। पॉल्यूशन पर एक्शन, लेकिन नहीं कोई सुधार। जहरीली हवा से बचाओ सरकार। दम घुटते दिल्ली की यही हकीकत है। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्वस्थ नौजवान से लेकर गर्भवती स्त्री तक, हर कोई शुद्ध हवा में एक सांस की गुहार लगा रहा है। तमाम पाबंदियों के बाद भी दिवाली से पहले ही दिल्ली में AQI का दिवाला निकला हुआ है। जिस दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए पूरे साल कोशिशें होती रहती हैं, पड़ोसी राज्यों से एक्शन लेने की बात कही जाती है, किसानों से पराली न जलाने की गुहार लगाई जाती है, लेकिन नतीजा यही है कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि यहाँ सांस लेने पर आफत है। सुबह से आसमान पर स्मॉग की जो चादर चढ़ती है, वो दोपहर में धूप निकलने के बाद भी चढ़ी रहती है और रात होने के बाद भी पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को कोई राहत नहीं मिल रही है। अपना बचाव खुद करना पड़ रहा, सरकार के भरोसे नहीं है। हम अपना बचाव ऐसे कर रहे हैं, मास्क लगा के क्या करें, अपने घर के इर्द गिर्द छतों में पानी फेंक लेते हैं और अपना बचाव में मास्क पहन के कर रहे हैं। जैसे सर्दियां शुरू हो गई, लोग बाग आग जलाएंगे और कंस्ट्रक्शन का काम है, और दिवाली सीजन में इस टाइम ज्यादा होते हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ ज्यादा चलती है, गाड़ी पुरानी गाड़ी निकालते हैं लोग बाग। पड़े तो पूरा दिन ही वैसा है, ये कहीं ना कहीं हमको भी कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। जैसे हम होटल में रह रहे, जैसे सो रहे हैं तो जैसे आलस सी हो रही है, जैसे सोए तो सोए रह जा रहे हैं, फिर कहीं घूम रहे हैं तो हेड पेन हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है। धीरे धीरे अब एडजस्ट हो रहे हैं हम लोग, लेकिन कल पे हमको निकलना है यहाँ से, लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से है प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग को ज़्यादा चल नहीं सकते, फील हो रहा है ऐसे कि सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा है। राजधानी में पिछले एक हफ्ते से पॉल्यूशन का लेवल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 415 था, जो आज बढ़कर फिर 450 को पार कर गया है। नोएडा में भी शनिवार को AQI 408 रहा, जो आज 450 के करीब रहने की आशंका है। इनके अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी AQI इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। जानकारों की माने तो दिल्ली NCR में आने वाले 6 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। जिस तरह की स्थिति है, स्थिति और गंभीर होने वाली है। हवा के कारण स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है पिछले 24 घंटे में हुआ है, लेकिन अगले 4-5 दिनों में जो 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 प्रिडिक्शंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, साथ ही साथ फार्म फायर्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाला है, तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर होने वाला है। बहुत आवश्यक है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हो, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और खासकर दिल्ली की सरकार जो है, इन सबों को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के छिड़काव करने से सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। एक वॉर फुटिंग पे मेजर्स जो हैं, जितने भी फार्म फायर्स हो रहे हैं पंजाब में, उसको डाउस करने के लिए एक इमीडिएट स्टेप जो है सरकार को लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली में GRAP 3 को लागू कर गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन इन पाबंदियों का अब तक असर
नहीं दिख रहा है, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली NCR में पड़ोसी राज्यों से BS6 मानकों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों के दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग भी की है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है। दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे एक्शन सक्रियता के साथ दिल्ली की सरकार काम कर रही है, सबको काम करने पड़ेगा। मेरा एक ही पहले दिन से मेरा सिद्धांत है, चाहे पंजाब हो या दिल्ली, यूपी हो या हरियाणा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पोल्यूशन की समस्या पूरे उत्तर भारत के एयर सेट की समस्या है और इसके समाधान का सामूहिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता है। उसके बगैर इसको पूरी तरह से खत्म करना कठिन काम है। फिलहाल दिल्ली में जो हालात बने हैं उसकी तीन बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। पंजाब के किसान लगातार पराली जला रहे हैं, सरकार की अपील बेअसर हुई है और पड़ोसी राज्य की हवा ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है, तो तापमान में गिरावट और हवा की धीमी रफ्तार भी वजह मानी जा रही है, क्योंकि इन दिनों हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है, जिससे हवा में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर और स्मॉग की चादर ने विजिबिलिटी को भी कम कर दिया है।